मैं मोहम्मद एहसान भट्ट कैजवाला एम्प्लॉय यूनियन का प्रेसिडेंट हूं आरएनबी का। हम इसलिए यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी रिक्रूटमेंट निकाली है। 20 से 25 सालों से हम डिपार्टमेंट में काम करते आए हैं, हमारे पास नई वेजेस है, 3 सालों से हमारे पास वेजेस नहीं है। हमारा बजट बनता है 9 करोड़ रुपए, बदकिस्मती से इस साल हमारे लिए 3 करोड़ ही वेज है, जबकि पहले ही हमारी लायबिलिटी है 13 करोड़ 26 लाख रुपए। हम लड़के ज़्यादा नहीं है आरएमबी डिपार्टमेंट, पूरे 28 डिवीजनों में काम कर रहे हैं, हमें 1000 ही लड़के हैं। 1000 लड़कों के लिए इनको बजट ही नहीं है, जबकि बाकी डिपार्टमेंटों में, हर किसी डिपार्टमेंट में जब से यूटी गवर्नमेंट बनी है, हमसे वादा किया गया है फाइनेंस कमिश्नर से, जो हमारा अपना कमिश्नर साहब है, उन्होंने हमसे वादा किया है जब यूटी बनी है आप लोगों को हर महीने पे मिलेगी, लेकिन जब से यूटी बनी है हमें 2 महीने तनख्वाह मिली है, बाकी कुछ नहीं है, जबकि हमारा बजट बनता है 9 करोड़ रुपए, 3 करोड़ ही है। अब हमारे वेजेस, मेहरबानी करके हमारे वेजेस वागुजार कीजिए, और हमारे रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है, हमारे फाइलें जो है पेंडिंग पड़ी है, चाहे वो सेक्रेटरीट में हो या हमारे ऑफिस में, अगर ऐसा रो बना है वो किस लिए बना है। ये आपकी माध्यम से आला हुकाम तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि हमारा मसला हल कीजिए।